मटर का सीजन देखिए जाने वाला है, तो क्यों ना ताजे मटर की एक और मज़ेदार रेसिपी बनाई जाए। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 कप पानी डाल देंगे। इसके साथ में ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून नमक, चिली फ्लेक्स और ये कटा हुआ हरा धनिया। एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब जितना इसमें हमने पानी डाला था यानी कि 1 कप, तो इतनी हम लेंगे ये सूजी। मिला लेते हैं इसे अच्छे से। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जितनी क्वांटिटी में हम पानी लेंगे उतनी क्वांटिटी में हम सूजी लेंगे। अब इसे हम ढककर थोड़ी देर रेस्ट होने देते हैं, तब तक करते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैंने ये पैन में पहले ही पानी गर्म होने रख दिया था, इसे हम उबलने देंगे। पानी में देखिए उबाल आ चुका है, इसमें हम डालेंगे ये ताजे मटर और इन्हें हम यहाँ पर 70-80% तक पका लेंगे। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई सब्जी या मटर उबालें तो उसे आप उबलते हुए पानी में ही डालिए। इससे क्या होता है, सब्जी जल्दी पक जाती है और उसका जो कलर होता है वो ख़राब नहीं होता है। 3 से 4 मिनट में मटर देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और मटर को हम निकाल कर सीधे ठंडे पानी में डालेंगे। इससे क्या होगा, एक तो मटर की कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और दूसरा मटर का जो रंग है वो मेंटेन रहेगा। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें। अब हम मटर को निकाल कर मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसके साथ में ऐड करेंगे हम ये हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और ये अदरक। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे हम यहाँ पर दरदरा पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमें बस इतना दरदरा ही रखना है। इसको पीसते टाइम हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। चलिए फटाफट से तड़का लगा लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे तेल, गर्म कर लेते हैं इसे। जीरा डालकर चटकने देते हैं। अब ऐड करेंगे ये कटा हुआ प्याज। प्याज का देखिए हल्का सा रंग चेंज हो गया है। ऐड करते हैं इसमें हींग, मिला लेते हैं इसे। अब डालेंगे इसमें ये मटर का पेस्ट और इसे हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। वैसे तो मटर पहले से ही पके हैं, बस इसे हम तेल में हल्का सा भूनेंगे जिससे ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें है ये हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर। इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा डालेंगे ये चाट मसाला और साथ में ऐड कर देते हैं नमक। इन्हें हम बढ़िया से मिला लेंगे। अब लास्ट में ऐड करेंगे ये क्रम्बल किया हुआ पनीर और इसे हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी मटर की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे ठंडा कर लेंगे। तब तक हम सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी को भी देखिए बढ़िया से रेस्ट मिल चुका है। अब इसे हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में पलट लेंगे और इसे हम अच्छे से मसल लेते हैं। इसे हम यहाँ पर तब तक मसलेंगे जब तक कि सूजी का सॉफ्ट डो बनकर तैयार ना हो जाए। पानी का यूज़ यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसे गूंथते टाइम ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, फटाफट से इसका डो बन जाता है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें से हम एक बड़ा पेड़ा तोड़ेंगे और इसे गोल कर लेते हैं। तो चलिए अब इस पेड़े को हम बेल लेते हैं। चकले और बेलन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि आटा जो है वो चिपके नहीं। अब इसकी हम एक बड़ी रोटी बेलेंगे, बहुत इजीली ये बन जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम ना तो बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो ये देखिए हमें बस इतना ही मोटा रखना है इसे। अब हम क्या करेंगे, एक गिलास या कोई कटोरी ले लेंगे और इस तरह हम इसमें कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो ये आटा निकला है इसे हम बचे हुए आटे में मिक्स करके दोबारा यूज़ कर लेंगे। तो ये हमें देखिए छोटी छोटी पूरियाँ मिल चुकी हैं, इन्हें हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। सेम ऐसे ही हम बचे हुए आटे की पूरियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सारी पूरियाँ बनाकर रख ली हैं। मटर की फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इन पूरियों में स्टफिंग भर लेंगे। एक पूरी लेंगे और इसके साइड्स पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। इसके सेंटर पे रखेंगे थोड़ी सी स्टफिंग और इसके ऊपर एक और पूरी रखेंगे
और इसकी साइड्स को प्रेस करके अच्छे से हम सील कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए स्टफ्ड पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। सेम ऐसे ही हम बाकी की पूरियाँ भी तैयार करेंगे। तो ये मैंने देखिए सारी बनाकर रख ली हैं, अब इन्हें हम स्टीम कर लेते हैं। स्टीमर में मैंने पहले ही पानी गर्म होने रख दिया था जो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर ये जाली वाली थाली रखकर इसे हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसमें हम ये स्टफ्ड पूरियाँ रखेंगे और इन्हें हम ढककर 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सूजी का बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी इसे हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं तभी इसे हम बाहर निकालेंगे। अगर इसे हम एकदम से बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये टूट सकती हैं। तो ये देखिए कितने इजीली ये निकल रही हैं। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया से स्टफिंग हुई है। इसे आप ऐसे ही चटनी या सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो या कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो आप इसे साथ में पैक करके भी ले जा सकते हो। इसे सर्विंग प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको इसे और चटपटा और करारा बनाकर खाना है तो आप इसे तड़का भी लगा सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल, गर्म कर लेते हैं इसे, ऐड करेंगे इसमें जीरा, राई और ये सफ़ेद तिल, इन्हें हम यहाँ पर चटकने देते हैं। अब डालेंगे इसमें ये लाल मिर्च पाउडर, एक बार चला लेते हैं इसे। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे ताकि ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये जले नहीं। अब इसमें हम ऐड करते हैं ये स्टीम किया हुआ नाश्ता। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके ऊपर ये तड़का लग जाए। अब डाल देते हैं इसमें ये हरा धनिया। चलिए अब इसे हम सर्विंग डिश में डालकर सर्व कर लेते हैं। गार्निश करेंगे इसे हरे धनिया के पत्तों के साथ। तो ये हमारा तड़के वाला नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला नाश्ता भी। तो कैसी लगी आपको ये सूजी मटर की अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।